तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सौरभ गांगुली सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। जय ये अब आरोप लगाया है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सौरभ गांगुली सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का यह इन पर आरोप लगाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का आयोजन चल रहा है और अब हर एक मैच रोमांचक होने लगा है। सभी टीमें कम से कम तीन मैच खेल चुकी है। फैंस भी समझने लगे कि इस सीजन कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्म में है और किसे अपनी फैंटेसी में शामिल करना है और किसे नहीं। और इसी को लेकर अब बिहार में एक सोशल एक्टिविस्ट ने सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या और साथ ही एक्टर आमिर खान और अन्य खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। और एक्टिविस्ट ने यह आरोप लगाया कि ये युवाओं को सट्टेबाजी का बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने ये आरोप लगाया एक्टिविस्ट ने कि खिलाड़ी और कलाकार युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन गेम्स की लत लगा रहे हैं, सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही ये भी बोला कि आपने देखा होगा कि आईपीएल के बीच में कई ऑनलाइन फैंटेसी टीम बनाने की ऐप के विज्ञापन करते हैं, उनमें बॉलीवुड कलाकार से लेकर खुद क्रिकेटर्स भी शामिल होते हैं। तो इन क्रिकेटर्स और कलाकार युवाओं को भटका रहे हैं, उन्हें जुए में ढकेल रहे हैं, ये उनके इनाम दे रहे हैं, लेकिन इससे ये लोग सट्टेबाजी के आदि हो रहे हैं। जी हाँ, बिहार में ये कोर्ट में याचिका दायर की है जहां पर एक सोशल एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सौरभ गांगुली सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे युवा और कलाकार इस लत में लग रहे हैं और साथ ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं।